नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा नवी के गणित भाग दो में प्रकृत प्रश्न संग्रह एक का जो बाकी सवाल है वो करने वाले हैं। सो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्न उत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रकृत प्रश्न संग्रह एक का जो बाकी सवाल है वो। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 3 तक किया था, अब हम लोग प्रश्न चौथा करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया है, संख्या रेखा पर बिंदु पी का निर्देशांक -7 है तो पी से 8 इकाई की दूरी पर स्थित बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक पहले रफ डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे देखोगे क्या बोला गया है, बिंदु पी का निर्देशांक, मतलब यहाँ पे बिंदु पी का निर्देशांक क्या बोला गया है, यहाँ पे -7 है। और क्या बोला गया, पी से 8 इकाई की दूरी पर, मतलब यहाँ से यहाँ तक के ये वाला जो बिंदु है ये 8 इकाई की दूरी पर, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है 8 इकाई के दूरी पर, यहाँ पे कोई भी बिंदु A ले लो और यहाँ पे ये निकालना है कि इसका निर्देशांक क्या होगा। ये जो है यहाँ पे ये कितना आएगा, और बिंदु P से 8 इकाई के दूरी पर, यहाँ पे भी ये 8 इकाई के दूरी पे है, इसको Y सपोज कर लो और ये बिंदु B नाम दे दो। कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे ये तो नहीं बोला गया था ना कि दाहिनी तरफ है कि बाईं तरफ है, हमको ये बोला गया 8 इकाई के दूरी पर निकालना है। तो बिंदु P का निर्देशांक -7 है तो उसका 8 इकाई बाईं तरफ जाएगा और 8 इकाई दाहिनी तरफ जाएगा। बिंदु A का निर्देशांक और बिंदु B का निर्देशांक निकालना है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, बिंदु P का निर्देशांक -7 है, -7 है, और बिंदु P के बाईं ओर, बिंदु पी के बाईं ओर बिंदु ए है, क्या है, बिंदु ए है। तो यहाँ पे देखो कि बिंदु ए है और बिंदु ए का निर्देशांक क्या है, यक्स है। यहाँ पे लिखेंगे बिंदु ए का निर्देशांक यक्स है। तो यहाँ पे देखोगे ये जो है A का निर्देशांक क्या है, यक्स, और P का निर्देशांक क्या है, -7। तो इसमें से पहले ये ढूंढेंगे कि बड़ा कौन सा होगा। तो देखोगे जब भी हम संख्या रेखा पर देखते हैं तो इस साइड वाला जो है रहता है वही बड़ा होता है, तो मतलब -7 बड़ा रहेगा, ये हो जाएगा -7 बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ क्या निकालेंगे, पहले ए पी निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए डिस्टेंस ऑफ ए पी बराबर, देखोगे डिस्टेंस ऑफ ए पी बराबर क्या हो जाएगा, बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं तो बड़ा क्या आया है, -7। यहाँ पे माइनस यक्स हो जाए, देखोगे -7 में से यक्स माइनस हुआ। और यहाँ पे देखोगे डिस्टेंस ऑफ ए पी दिया है क्या, देखोगे यही डिस्टेंस ही तो दिया है ना ए पी का, ये 8 दिया गया, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 बराबर -7 माइनस यक्स, इस तरीके से आएगा। ये हो जाएगा 8, ये देखोगे -7 है, इस साइड लेके जाओगे तो ये हो जाएगा +7 बराबर, ये हो जाएगा माइनस यक्स, ये हो जाएगा 8 7 15 बराबर माइनस यक्स, तो ये हो जाएगा यक्स बराबर -15। देखोगे ये माइनस इधर चले गया तो ये यक्स बराबर कितना हो जाएगा, -15। अभी हमने देखा था बिंदु ए का निर्देशांक हमने यक्स माना है, तो यहाँ पे लिखते हैं बिंदु ए का निर्देशांक, निर्देशांक यक्स माने था ना, तो यक्स का मान कितना आया है, -15 हो जाएगा, -15 है। अब फिर से इसी को लिखना है, क्या है, देखोगे यहाँ पे बिंदु पी का निर्देशांक, बिंदु पी का निर्देशांक ये कितना दिया गया है, -7 है, ठीक है। बिंदु पी के दाईं ओर, बिंदु पी के दाईं ओर बिंदु बी है, हमने माना है ना बिंदु बी है, यहाँ पे बिंदु बी का निर्देशांक लिखेंगे, बिंदु बी का निर्देशांक
हमने क्या माना है, वाई माना है, तो वाई है। यहाँ पे देखोगे वाई और माइनस सात, वाई और माइनस सात में बड़ा कौन सा हो जाएगा, देखोगे यहाँ पे ये वाई है ना, तो इस साइड वाला बड़ा होता है तो ये वाई बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे ये वाई बड़ा होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ पी भी निकालोगे, देखोगे यहां से ये यहां से यहां तक का क्या निकालेंगे, पी भी निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ पी भी में ही होगा। तो ये वाई में से माइनस सात माइनस करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ पी भी है, तो डिस्टेंस ऑफ पी भी हमको दिया गया है आठ, ये हो जाएगा आठ बराबर वाई माइनस माइनस प्लस सात। अभी देखोगे प्लस सात है, इसको इस साइड लेके जाओगे तो क्या जाएगा, माइनस हो जाएगा आठ माइनस सात बराबर वाई, ये हो जाएगा आठ में से सात गया एक बराबर वाई, ये हो जाएगा वाई बराबर एक। यहाँ पे लिखोगे बिंदु बी का निर्देशांक माने ना इसको, बिंदु बी का निर्देशांक एक है। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। पांचवे प्रश्न में क्या दिया गया, दी गई जानकारी के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। तो उसमें से पहले में जानकारी में क्या दिया गया, यदि ए बी सी एक रेखीय है तथा डिस्टेंस ऑफ ए सी 17 है, डिस्टेंस ऑफ बी सी 6.5 है, तो डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालो। तो सबसे पहले हम लोग एक रेखीय बनाते हैं, क्या क्या बनेगा, क्या क्या बोला गया, देखोगे ए बी सी ये एक रेखीय बन गया, ए सी दिया है 17, तो ए सी कहाँ पे रहेगा, ये देखो भाई पूरा का पूरा दिया गया है 17, डिस्टेंस ऑफ बी सी दिया गया 6.5 और डिस्टेंस ऑफ ए बी ये हमको निकालना है। तो यहाँ पे कैसे बनेगा, डिस्टेंस ऑफ ए बी धन डिस्टेंस ऑफ बी सी बराबर डिस्टेंस ऑफ ए सी, देखोगे ए बी और बी सी को मिला करके ए सी बनेगा। अब इसमें मान रख देते हैं डिस्टेंस ऑफ ए बी, ए बी हमको निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालना है प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी, ये दिया गया 6.5, डिस्टेंस ऑफ ए सी ये दिया गया 17, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ ए बी बराबर 17। अब देखोगे प्लस 6.5 है तो इस साइड जाएगा तो माइनस 6.5 हो जाएगा। अब इसको घटा देंगे तो डिस्टेंस ऑफ ए बी हो जाएगा 17 में से 6.5 जाएगा तो कितना जाएगा, ये हो जाएगा 10.5। तो इसके उत्तर में लिखोगे डिस्टेंस ऑफ ए बी बराबर 10.5, इसी तरीके से आएगा। अब हम अगला करते हैं, इसमें भी वैसे दिया गया, यदि पी क्यू आर एक रेखीय है, तो यहाँ पे पहले बनाते हैं पी क्यू आर, यहाँ पे इस तरीके से बनेगा, ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा क्यू, ये हो जाएगा आर, तो ये जगह पी क्यू दिया गया 3.4 और क्यू आर दिया गया 5.7 और हमको पी आर ये पूरा का पूरा निकालना, तो ये क्या हो जाएगा पी क्यू धन क्यू आर बराबर पी आर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ पी क्यू धन डिस्टेंस ऑफ क्यू आर बराबर डिस्टेंस ऑफ पी आर, ऐसे बनेगा। तो पी क्यू हमारे पास कितना है, पी क्यू है 3.4 धन क्यू आर कितना है 5.7 बराबर डिस्टेंस ऑफ पी आर, तो निकालना है। तो ये हो जाएगा, इसको जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा 7×4 = 11, हासिल 5×3 = 8 = 9, 9.1 आएगा ये बराबर डिस्टेंस ऑफ पी आर, तो ये हो जाएगा, इसलिए डिस्टेंस ऑफ पी आर बराबर 9.1। यहाँ पे इसके आंसर में, इसके उत्तर में आएगा डिस्टेंस ऑफ पी आर बराबर 9.1। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं, छठवें प्रश्न में क्या दिया गया है, संख्या रेखा पर बिंदु ए का निर्देशांक 1 है, ए से 7 इकाई के दूरी पर स्थित बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए। तो इसको भी जैसे हम लोगों ने प्रश्न नंबर 4 में किया वैसे ही करना है। यहाँ पे बिंदु ए का निर्देशांक दिया गया है हमको ए, और यहाँ पे 7 इकाई के दूरी पर, यहाँ पे एक बिंदु इसको पकड़ लो पी, ये 7 इकाई के दूरी पर है, इसका निर्देशांक हमको निकालना है एक्स, और यहाँ से फिर से ये 7 इकाई के दूरी पर ये बिंदु मान लेते हैं बी, इसका हमको वाई निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे बिंदु ए का निर्देशांक दिया गया, ए का निर्देशांक
क्या है, एक है। अब क्या देखोगे, ए के बाईं ओर यहां पे लिखोगे बिंदु ए के बाईं ओर बिंदु पी है, बिंदु पी है। तो जब बिंदु पी है तो बिंदु पी का निर्देशांक लिखोगे, तो बिंदु पी का निर्देशांक यक्स है, ऐसे ही आएगा। तो जब बिंदु पी का निर्देशांक यक्स है तो यहाँ पे देखोगे एक बड़ा रहेगा कि यक्स बड़ा रहेगा, तो यहाँ पे देखेंगे जब भी ये इस डायरेक्शन में जो इस साइड रहता है वही क्या रहता है, बड़ा रहता है, मतलब एक यहाँ पे बड़ा रहेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ क्या बनेगा, पी ए बनेगा। डिस्टेंस ऑफ पी ए में क्या हो जाएगा, बड़े में से छोटे को माइनस करना रहेगा, मतलब एक माइनस एक्स हो जाएगा। और पी ए का जो दूरी दिया गया वो कितना है, सात है, यहाँ पे लिखेंगे सात बराबर एक माइनस एक्स, ऐसे बनेगा। अब इसको क्या करते हो, देखोगे ये माइनस एक्स है ना, इसको इस साइड लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा, बराबर एक है, और ये प्लस सात है, इस साइड लेके जाओगे तो माइनस सात हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स बराबर एक में से सात गया माइनस छ, तो ये एक्स का मान कितना आ गया, माइनस छ। यही तो है बिंदु पी का निर्देशांक एक्स है, यहाँ पे लिखेंगे बिंदु पी का निर्देशांक एक्स है का मतलब क्या हो गया, माइनस छ है, कुछ इस तरीके से बनेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, बिंदु बी के लिए निकालते हैं, तो फिर से यहाँ पे लिखोगे बिंदु ए का निर्देशांक एक है और बिंदु ए के दाई ओर बिंदु बी है, बिंदु बी है, और क्या लिखेंगे, बिंदु बी का निर्देशांक, बिंदु बी का निर्देशांक वाई है। तो यहाँ पे देखोगे एक बड़ा रहेगा कि वाई बड़ा रहेगा, तो यहाँ पे देखोगे वाई बड़ा रहेगा ना, इस डायरेक्शन में बड़ा रहता तो एक और वाई में वाई बड़ा रहेगा। यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ क्या निकलेगा, ए भी निकलेगा, यहाँ पे लिखोगे डिस्टेंस ऑफ ए बी बराबर बड़े में से छोटे को माइनस कर रहा है, मतलब वाई माइनस एक हो जाएगा। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी दिया है क्या, देखोगे यहाँ पे दिया गया है सात इकाई की दूरी पे ना, तो सात आ जाएगा, वाई माइनस एक, तो ये हो जाएगा सात माइनस एक है तो ये प्लस एक हो जाएगा बराबर वाई, ये हो जाएगा आठ बराबर वाई, तो ये हो जाएगा वाई बराबर आठ। यहाँ पे लिखोगे बिंदु बी का निर्देशांक आठ है। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं, सातवें प्रश्न में क्या दिया गया, निम्नलिखित कथन सशर्त रूप में लिखिए, उसमें से पहला क्या दिया गया, प्रत्येक समचतुर्भुज यह वर्ग होता है। इसके उत्तर में लिखोगे यदि दिया गया चतुर्भुज समचतुर्भुज आए तो वह वर्ग होगा, कुछ इस तरीके का बनेगा। अब हम अगला करते हैं, दूसरे में क्या दिया गया, रेखीय युगल कोण परस्पर संपूरक होते हैं। इसके उत्तर में आएगा यदि दिया गया कोण परस्पर रैखिक युगल कोण है तो वे परस्पर संपूरक कोण
होते हैं। अब हम अगला करते हैं, तीसरे में क्या बोला गया, त्रिभुज यह तीन रेखा खंडों द्वारा निर्मित आकृति होती है। इसके उत्तर में लिखोगे यदि दी गई आकृति त्रिभुज है तो वह तीन रेखाखंडों द्वारा निर्मित होती है कुछ इस तरीके से आएगा। अब हम अगला करते हैं, चौथे में क्या दिया गया, केवल दो ही विभाजक हो ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसके उत्तर में लिखोगे यदि किसी संख्या के दो विभाजक हो तो उस संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। कुछ इस तरीके से आएगा। अब हम अगला प्रश्न करते हैं, आठवें प्रश्न में क्या बोला गया, निम्नलिखित कथनों के विलोम लिखिए। मतलब यहाँ पे हमको इसका विलोम लिखना है, तो उसमें से पहले में क्या दिया गया, यदि किसी बहुभुजाकृति के कोणों के मापों का योगफल 180 अंश हो तो वह आकृति त्रिभुज की होती है। यहाँ पे इसके उत्तर में लिखेंगे यदि दी गई बहुभुजाकृति त्रिभुज हो तो इसके कोणों के मापों का योग 180 अंश होता है। ऐसे ही बनेगा, देखोगे ये त्रिभुज वाला पहले लिख दिया और ये कोण वाला जो है बाद में लिखा। अब हम अगला करते हैं, दूसरे में क्या दिया गया, दो कोणों के मापों का योग 90 अंश हो तो वे परस्पर कोटि पूरक कोण होते हैं। तो इसके उत्तर में आएगा यदि दो कोण परस्पर कोटि पूरक कोण हो तो इनकी मापों का योग 90 अंश होता है। कुछ इस तरीके से बनेगा। अब हम अगला करते हैं, तीसरे में क्या दिया गया, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करे तो बनने वाले संगत कोण सर्वांगसम होते हैं। तो इसके उत्तर में आएगा यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करे तथा बनने वाले संगत कोण सर्वांग सम हो तो वे रेखाएं समांतर होती है। दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं, चौथे में क्या दिया गया, किसी संख्या में उसके अंकों के योगफल से भाग जाता हो तो वह संख्या तीन से विभाज्य होती है। तो इसके उत्तर में क्या आएगा, यदि कोई संख्या तीन से
विभाज्य हो तो उस संख्या में उसके योगफल से भाग जाता है। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। नवे में क्या दिया गया है? निम्नलिखित कथनों में दत्त तथा साध्य लिखिए। मतलब यहाँ पे दत्त और साध्य लिखना है। तो पहले में क्या दिया गया है? यदि त्रिभुज के तीनों भुजाएं सर्वांगसम हो तो उस त्रिभुज के तीनों कोण सर्वांगसम होते हैं। यहाँ पे देखोगे ये तीनों भुजाएं सर्वांगसम है, ये दत्त हो जाएगा, और तीनों कोण सर्वांगसम होते हैं, ये साध्य हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे दत्त त्रिभुज की तीनों भुजाएं सर्वांगसम है, ये दिया गया है, सर्वांगसम है ये दिया गया। और सिद्ध करने के लिए क्या बोला गया है? त्रिभुज के तीनों कोण सर्वांगसम होते हैं। यहाँ पे लिखोगे साध्य में त्रिभुज के तीनों कोण सर्वांगसम होंगे, कुछ इस तरीके से आएगा। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या बोला गया है? समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। तो इसमें तत्व क्या है दिया गया? चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है, ये हमको दिया गया है। और साध्य में क्या लिखोगे, क्या सिद्ध करना है? इसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, कुछ इस तरीके से आएगा। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दसवें प्रश्न में क्या दिया गया है? निम्नलिखित कथनों के लिए नाम निर्देशित आकृति बना करके दत्त साध्य लिखिए। मतलब यहाँ पे आकृति बना करके उसके बाद में दत्त साध्य लिखना है। तो पहले में क्या दिया गया? दो समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ पे हम लोग ने लिख लिया ए, ये बी, ये सी, ये पी, ये क्यू और ये आर। यहाँ पे चाहिए तो ये इस तरीके से लिख लो, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, ये और ये, इस तरीके से ये तो बन गया। अब हमको क्या लिखना है? दत्त और साध्य। तो इसके दत्त में क्या आएगा? क्या बोला गया है? देखो दो समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो दत्त में क्या आएगा? ये जो दो त्रिभुज दिया गया ये समबाहु त्रिभुज है। यहाँ पे लिखोगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, ये तो इसका दत्त हो गया। अब साध्य क्या करना है कि ये समरूप त्रिभुज होते हैं। तो समरूप त्रिभुज का क्या हो जाएगा? त्रिभुज ए बी सी समरूप का चिन्ह लगा दो, त्रिभुज पी क्यू आर, ये इस तरीके का बनेगा हमारा। बस इसमें इतना ही करना है। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है? यदि रेखीय युगल कोण सर्वांगसम हो तो उनमें प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो सबसे पहले हम लोग आकृति बनाते हैं, ये कुछ इस तरीके से बनेगा। देखोगे यहाँ पे रेखीय युगल कोण है, यहाँ पे लिख दिया ए बी सी और ये रहा डी, ये इस तरीके का बनेगा। तो हमको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि ये समकोण है, मतलब 90 अंश का है। यहाँ पे दत्त में क्या दिया है? हमको यहाँ पे देखोगे क्या दिया गया? रेखीय युगल कोण सर्वांगसम होते हैं। तो रेखीय युगल कोण कौन कौन सा बन जाएगा? ए बी डी और सी बी डी। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण ए बी डी सर्वांगसम का चिन्ह कोण सी बी डी, ये हो गया हमारा दत्त। अब हमको साध्य का लिखना है। तो साध्य में क्या दिया गया है? देखोगे उनमें से प्रत्येक कोण समकोण होता है।
तो कौन 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 सा बन रहा है, ए बी डी, ये भी 90 अंश का होगा, और कोण सी बी डी, सी बी डी ये भी 90 अंश का होगा। देखोगे जो दोनों कोण बन रही है, प्रत्येक कोण समकोण होता है, मतलब जो दोनों कोण बन रहा है वो क्या हो जाएगा, समकोण होगा, 90 अंश का कोण होगा। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं, तीसरे में क्या दिया गया, त्रिभुज की दो भुजाओं पर खींचे गए शीर्षलंब यदि सर्वांगसम हो तो वे दोनों भुजाएं सर्वांगसम होती हैं। तो यहाँ पे हम लोग कुछ इस तरीके से आकृति बना लेंगे। पहले हो जाएगा ए बी सी एम एंड एन, ये जो है ये शीर्षलंब है और ये वाला शीर्षलंब है, और हमको क्या बोला गया है, बी एम जो है एन सी के बराबर है। अब यहाँ पे सवाल में देखते हैं हमको क्या क्या लिखना रहेगा, दत्त लिखना रहेगा पहले। तो देखोगे क्या बोला गया है, त्रिभुज की दो भुजाओं पर खींचे गए शीर्षलंब, देखोगे त्रिभुज के ए बी और ए सी इस पे हमने लंब खींचा है, यदि सर्वांगसम हो तो, मतलब कौन सा एन सी और बी एम अगर सर्वांगसम है तो हमको क्या सिद्ध करना रहेगा, दोनों भुजाएं सर्वांगसम होती है, ए बी बराबर है ए सी के। साध्य तो हमारा पहले ही निकल जाएगा, तो साध्य में क्या आ जाएगा, साध्य में आ जाएगा भुजा ए बी सर्वांगसम है भुजा ए सी का। ये तो आ गया, यहाँ पे इतना आ गया कि ए बी और ए सी बराबर है, देखो कि क्या लिखा है, वे दोनों भुजाएं सर्वांगसम होती हैं। तो यहाँ पे देखोगे दत्त में क्या आ जाएगा, त्रिभुज की दो भुजाओं पर खींचे गए शीर्षलंब यदि सर्वांगसम हो तो, हमको दत्त में क्या दिया, त्रिभुज की दो भुजाओं पर ना, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, दो भुजाओं पर खींचे गए शीर्षलंब, मतलब ए बी पर कौन सा लंब है, सी एन, रेख सी एन लंब है भुजा ए बी पर, एक ये दिया गया है, दूसरा क्या है, रेख बी एम लंब है भुजा ए सी पर, और क्या दिया गया, देखोगे ये क्या बोला गया है, यदि सर्वांगसम हो तो, सर्वांगसम मतलब बराबर हो, तो यहाँ पे लिखेंगे रेख बी एम सर्वांगसम है रेख सी एन, कहने का क्या मतलब है, बी एम और सी एन बराबर है, और सी एन जो है ए बी पर लंब है, बी एम जो है ए सी पर लंब है, तो हमको सिद्ध क्या करना है, ए बी और ए सी जो है दोनों सर्वांगसम होंगे, बराबर होंगे। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रकरण प्रश्न संग्रह एक कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी प्रकरण प्रश्न संग्रह एक मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।